राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पपरोला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशों के बाद डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है, जहां वर्तमान में 50 बिस्तरों की सुविधा है और जरूरत के अनुरूप मुख्यमंत्री ने इसे 100 बिस्तरों तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस संस्थान का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इस संस्थान के कुशल प्रबंधन और चिकित्सकों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के दिन रात की सेवा से 30 लोग यहां से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अस्पताल के भीतर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए SDM पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने खुद कमान संभाली है और PPE किट पहनकर चिकित्सकों के साथ कोविड वार्ड में भी गए। इस टीम में आयुर्वेदिक अस्पताल के MS डॉक्टर कुलदीप बरवाल, डॉक्टर प्रदीप अवस्थी, डॉक्टर अश्विनी शर्मा और पंकज व्यास शामिल रहे। SDM ने कहा कि उपचाराधीन मरीजों के बीच जाकर उनका हाल जानने के पीछे लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना था कि सरकार और प्रशासन आपके साथ है और यहाँ उपलब्ध व्यवस्थाओं के जानना था कि मरीजों को किस रूप में कोई कमी तो नहीं महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ मरीजों के शौचालय जाने और खाने के समय में ऑक्सीजन चली रहती थी। जब मरीजों को इस बारे में जागरूक किया गया तो ऑक्सीजन की खपत में काफी कमी आई है। उपचाराधीन मरीजों का कहना है कि संक्रमण के चलते जब हर कोई संक्रमित लोगों से दूर भाग रहे हैं तो ऐसे में यहां तैनात स्टाफ और चिकित्सकों के अपनेपन और सेवा भाव के कार्य से और व्यवहार से आधी बीमारी उनकी दूर हो जा रही है तथा मन में कोरोना को हराने का आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। घर जैसा पौष्टिक भोजन और अन्य सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध हो रही है, जिसको आज स्वयं SDM ने जांचा है। पपरोला चल रहा है, इसमें अभी तक 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से कि हमारे 50 बिस्तरों की ऑक्युपेंसी आज से 4 दिन पहले पूरी हो गई थी। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम मरीजों को ठीक करने के उपरांत घर भी भेज रहे हैं। कल हमने 13 डिस्चार्ज किए थे, आज भी जो कि यहाँ पर स्वस्थ लाभ लेकर के घर गए हैं। आज हमने 10 डिस्चार्ज आज हम कर रहे हैं और इसी तरह हमारे पास 37 पेशेंट रह गए थे, लेकिन 10 की अप्रूवल जो हमें पहुंच चुकी है, तो लगभग 47 पेशेंट अभी आ चुके हैं और लगभग 1-2 घंटे में और जो है वो हमारे दोबारा से पुनः ए हो जाएगा। इसी तरह अब हमारा ये सिला चल पड़ा है कि अब हम इस कैपेसिटी में हो गए हैं कि हम मरीजों को डिस्चार्ज स्वस्थ लाभ के उपरांत डिस्चार्ज कर सके। तो प्रतिदिन अब हमारा ऐसा कुछ सिस्टम बनने जा रहा है कि लगभग 5-7-10 मरीज रोज घर ठीक हो करके जाएंगे और अन्य जो मरीज बेचारे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, SpO2 लेवल जिनका कम है, वो आएंगे और स्वस्थ लाभ लेकर के वो घर जाएंगे। शीघ्र ही हमारा पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार के आदेश हैं कि इसको 100 बिस्तरी में परिवर्तन करना है, तो हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम इसको 100 बिस्तरियों में परिवर्तित करें। बाकी हम अपनी तरफ से मेरे चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे और अन्य कर्मचारी हो, मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, मेरे सहयोगी, मेरे दफ्तर के सारे कर्मचारी अधिकारी और जो है वो रात दिन इस कार्य को अच्छे रूप से अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, इन सब का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इसी के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम इस COVID-19 की त्रासदी से बाहर निकलें। जय धनवंतरी। आपको मालूम है कि COVID-19 में हमारा ये जो समय चला है पीक पे है, बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हमारे ये जो बैजनाथ उपमंडल है, इसमें पपरोला में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के निर्देशानुसार एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें कि ये जस्ट 9 दिन पहले ये खोला गया है। पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं और अब लोग यहाँ से स्वस्थ होके डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, स्वस्थ होके जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल है ये, जिसमें कि 50 लोग जो हैं वो विद मैनिफोल्ड ऑक्सीजन सिस्टम के साथ हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सभी के सभी वही पेशेंट्स यहाँ पे हैं जिन्हें ऑक्सीजन SpO2 लेवल जो है वो 90 से नीचे रहता है, तो उन्हें हम यहाँ पे रखते हैं।
मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के जो स्टाफ लगा है आयुर्वेदिक कॉलेज का, और साथ में एलोपैथ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने 9 दिन में अथक प्रयासों से इसे खड़ा किया है और अभी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। प्रशासन ने यहाँ पे सारी की सारी व्यवस्थाएं करने में सहायता की है। मैं एक अन्नपूर्णा सोसाइटी है यहाँ पे बैजनाथ में, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खाने इत्यादि की जो पौष्टिक आहार की जो फैसिलिटी है वो प्रशासन के सहयोग के साथ वो उसमें हमें मैन पावर भी दे रहे हैं और वो उसमें कार्य कर रहे हैं। तो भोजन हमें एक तरह से मैं कहूँगा कि प्रशासन और जो सोशल हमारे जो सोसाइटी है उनके कंबाइंड एफर्ट से एक अच्छा सिस्टम मिल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लोगों को यहाँ पे लगातार सेवा कर रही है। आज मैं खुद यहाँ इस संस्थान में गया था और सभी मरीजों से लगभग मैंने हालचाल भी पूछा और मुझे बड़ा संतुष्टि हुई कि सभी लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं पे अपना संतोष जताया है। मुझे आशा है कि अगर भविष्य में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, जो शायद हम 100 तक या इससे ज़्यादा ले जाएंगे, तब भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे स्वास्थ्य लाभ यहाँ से लोगों को मिलेगा और ऐसी ऐसी सुविधाएं जो हम लोगों को दे पाएं, ताकि लोगों में एक डर की जो भावना है वो भी थोड़ी सी कम हो और इस संकट में की घड़ी में वो कोरोना 19 जैसे वायरस से लड़ने में भी अपना एक हौसला जुटा पाएं। आशा करता हूं हम सब लोग सहयोग, आपसी सहयोग से इस महामारी से, इस संकट की घड़ी से जल्द उभरेंगे, जल्द बाहर आएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।